यहाँ पे आग जलाने की पूरी कोशिश हो रही है। पेपिंग के दीदी ने प्याज काट दिया है, टमाटर काट दिया है। यहाँ पे हमारी बावड़ी जो कि हम बाएं कहते हैं। आज हम कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर। तो गाइस यहाँ पे एक राक्षस जी का नाल भी है, उसकी स्टोरी भी आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचल ड्रीमर पे। तो ये जो आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है, ये हमारा कैंपिंग का ब्लॉग होने वाला है। आज हम कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर, जो कि हमारे फाड़ वगैरह होते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, जहाँ पे हम घास वगैरह लाते हैं वहाँ पे। और आज इस कैंपिंग में जुड़ी हुई है मेरी बहन पिंकी दीदी और भाई टिंकू भाई जुड़े हुए हैं। अभी देखो अभी हम थोड़ा ये जो पेड़ है ये गिरा हुआ था, इसको इसकी लकड़ी लेके जाएंगे अभी हम घर। और साथ में हम सामान लाए हैं, क्या क्या बनाएंगे ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं और पिंकी दीदी जा रहे हैं पानी ले जाने के लिए, वो भी अपनी बावड़ी से। तो चलिए चलते हैं बावड़ी से पानी वगैरह लाते हैं। यहाँ पे हमारी बावड़ी जो कि हम बाएं कहते हैं, और यहाँ से अभी पानी वगैरह भरेंगे इस बॉटल में। पहले पानी भर ले। पानी की बॉटल हमने भर ली है 2 लीटर की, और क्या थी लग रही नहीं भरा। अभी इसके बाद हम लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करेंगे और थोड़ा सा पहले वहाँ पे साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या हमें जूट चाहिए। और काफ़ी जूट का सामान हम घर से ले आए हैं थोड़ा थोड़ा करके, और डिशेज भी बताते हैं आपको। एक तो हम मैगी बनाने वाले हैं, दूसरी और भी हैं एक दो चीज़ें, वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने जगह ढूंढ ली है, अभी यहाँ पे हम अपनी चूल वगैरह लगाएंगे। गाइस अभी हम पत्थर ढूंढ रहे हैं, क्या होने चक्के ने कोई होते ले पकड़ देता। गाइस हमें चूल बनाने के लिए पत्थर चाहिए सबसे पहले। तो पिंकी दीदी ने एक और पत्थर ढूंढ लिया है, अभी तो पिंकी दीदी यहाँ पे अपनी चूल तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये जो पकवान वगैरह बनाएंगे, और घर से हम कढ़ाई लेके आए हैं। तो गाइज हमारी यहाँ पे चूल्हा हो गया तैयार, पर उससे पहले हम इसको पीछे से लिपेंगे, नहीं तो काला हो जाएगा। मिट्टी से लिप ले का ये करेंगे काम। बस सर बस सर एक वाला ही गया, पानी कुछ ज्यादा ही डाल दिया तुमने। तो यहाँ पे लिप के हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार, हमने चूल पे लगा दी हमने, कढ़ाई वगैरह ऐसे हो गई है। अब हमने लकड़ी वगैरह ढूंढनी है, पिंकी दीदी ने वैसे तो ढूंढ लिया पहले ही, तो यहाँ से अभी हम लाएंगे लकड़ियाँ। ये कम पड़ेंगी, थोड़ी और चाहिए। चलो और ले आते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ है थोड़ा सूखा हुआ है, तो यहाँ से हमने 2-3 लकड़ियाँ तोड़नी है, यहाँ पे मिल जाएंगी वैसे तो यहाँ पे। पर देखो ये वाला पेड़ है जो सूख चुका है, तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मैं ले आया। हाँ गाइस ये जो जंगल है ना, आपको जंगल दिखा है, यहाँ पे तेंदुए और अपनी लोकल लैंग्वेज जो हम मिर्ग कहते हैं, मिर्ग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर भी हम हाँ टाइगर, तो यहाँ पे लकड़ियाँ ले लिया हमने थोड़ी। तो सबसे पहले प्याज, प्याज काटने की पिंकी दीदी, और एक मैं टमाटर ले आते, टमाटर वगैरह धो पिंकी दीदी काट रहे हैं। पत्ता ना बड़ा जत नहीं होना है, आ जाना तुम्हें कर तू ये दे सुलफापे दा इतने ऊपर कर दे। हां तब दे, हमारी स्टार्ट हो चुकी है यहां पे, और अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस रेसिपी को, मैगी बनाते हैं। तेल हमने डाल दिया है, पिंकी दीदी ने तेल डाल दिया, अब थोड़ा सा इस तेल को गर्म होने देते हैं। इस
तो अभी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो देखो हमारा जो तुड़का है ये हमारा गर्म होने होना स्टार्ट हो चुका है। मटर भी डाल दिया उसने और देखो आली रुक प्याज पाना ली रुक जा प्याज प्याज पा देंगी। तो यहाँ पे हमारा मटर मसाला तय बोले मटर पा ले गाइस हम सब कुछ लेके आए हैं। पिंक दीदी ने पूरा जुगाड़ लेके आए हैं यहाँ पे। तो देखो हमारी गाइस देखने में तो लग रहा है कि अच्छी होने की और यहाँ पे देखी नहीं पूरी दे बांधी लाल पिपरी ज्यादा हो जाएगी बस 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 ज्यादा बात यहाँ पे देखो पिंक दीदी छेड़ दे रहे हैं। अभी हम इसको जो हमने तुड़का डाला इसको हम थोड़ा सा मतलब राड़ा होने देंगे। थोड़े मटर भी डाले हुए ना थोड़े पक जाएं ये फिर उसके बाद हम मैगी के पैकेट डालेंगे। अब इसमें मैगी हमने डाल दी इसमें। अब थोड़ा रुकते हैं थोड़े इसको होने देते हैं फिर आपको बताते हैं कि थोड़ी देर में हमारी मैगी बनने वाली है। तो हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है देखो कितनी यमी लग रही है यार। और यहाँ पे टिंकू भाई भी आ चुके हैं नीचे भी थोड़ा सा लकड़ी का काम किया उन्होंने। गाइस तो अभी चलो प्लेटों में डालते हैं और साथ में यहाँ पे चाट बना के लाए थे हम घर से और साथ में हमारे पास 3 कोल्ड ड्रिंक्स भी है। तो अभी जल्दी से इनको अरेंज करते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आज की हमारी स्पेशल डिश मैगी और यहाँ पे चाट और ये जो जूस वगैरह वो हमने डाल दिया है। तो चलिए अब जल्दी से खाते हैं इसको खाते हैं तब तक आप एंजॉय कीजिए इस प्यारे से टाइम लेस को। मैगी और चाट हमने खा ली है और यहाँ पे बहन और ये भाई रहे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है सारा कुछ और जो जलाने वाली चीज़ है जैसे जो रैपर है उनको हम यहाँ पे जला लेंगे और जो प्लास्टिक वाला चीज़ है उसको हम घर लेके जा रहे हैं। हम अपने यहाँ पे वातावरण को गंदा नहीं करेंगे जो भी हमारी ये जगह है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे। तो अभी इस कढ़ाई वगैरह धोते हैं नीचे पानी में पहले से पानी से ऐसे सिंपल धो देंगे फिर उसके बाद घर में इसको निरमे के साथ धोएंगे। और पिंकी दीदी बंदी कहाँ पे जा रही है गाइस यहाँ पे इसको हम धो लेते हैं पहले हैं। चम्मच बढ़ा रहे देखो यहाँ पे हमारे पानी के मारे यहाँ पे कोई कमी नहीं है गांव में और ये चीज़ वहाँ पे यहाँ पे पूरा वाटर और रिसोर्स शुरू है देखो। तो गाइस यहाँ पे एक राक्षस जी का नाल भी है उसकी स्टोरी भी आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। फिर कभी फिलहाल जो यहाँ पे कर रहे हैं अभी हम और थोड़ी सी बहन को फोटो वगैरह खींचते हैं यहाँ पे लकड़ी है स्कोप का ये अभी इसको हमने काटना है ये भी काट लेते हैं गाइस। तो मिल दो मैं आपसे। तो गाइस लकड़ी वगैरह लेके हम आ चुके हैं ये देखो ये और भाई देखो ये ला रहे हैं मोटा लकड़ा ओ। तो गाइज ये थी हमारी हम अपना सामान भी ले आए हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं जल्दी नए वीडियो में और नए कैंपिंग स्पॉट पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अदर सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर।